नवजोत कौर और आप देख रहे हैं के न्यूज। के न्यूज में सबसे पहले एक नजर डालेंगे आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं रतन सिंह सराफ एंड सन्स, जहां 1928 से कायम है संपूर्ण गुणवत्ता। रिफ्रेश, एक ऐसा एहसास जो कर दे आपको रिफ्रेश। चावला स्क्वायर, हॉट एंड फेवरेट ऑफ लुधियाना। और एसीसी गोल्ड, सपनों का घर रखे सुरक्षित। मंडी में कोर्ट से जेल आते वक्त एक रोपी ने बस के नीचे लगाई छलांग, मौके पर ही मौत। हमीरपुर जिला कांग्रेस के उपाध्यक्ष रामचंद्र पठानिया ने लोकसभा चुनावों के लिए अपनी दावेदारी की पेश। बुनियादी सुविधाओं के मसले पर पत्थर में सिट्टू का धरना प्रदर्शन, एसडीएम को दिया ज्ञापन। सात मार्च शिवा कप रतन ज्वेलर्स के नाम, सिंह गारमेंट्स को 10 विकेट से हराकर दर्ज की जीत। मंडी में आज दोपहर को जब एक आरोपी को कोर्ट से जेल लाया जा रहा था तो रास्ते में कुछ ऐसा हुआ कि देखने वालों का दिल दहल उठा। क्या है पूरा मामला, आइए आपको बताते हैं विस्तार से। दोपहर के समय बस एचपी 660325 मंडी से बरोटी अपने समय के अनुसार मंडी से रिवालसर की ओर जा रही थी, तभी एक सजायाफ्ता कैदी जो सड़क पर पुलिस वालों के साथ जेल की तरफ जा रहा था, उसने कुछ ऐसा कर दिया कि देखने वाले सन्न रह गए। दरअसल मृतक संजय कुमार बिहार से संबंध रखता है। उसके खिलाफ सुंदरनगर के थाने में एनडीपीसी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था। कोर्ट ने उसे जुडिशियल कस्टडी पर भेज दिया था। जब उसे दो पुलिस के जवानों के साथ जेल की तरफ लाया जा रहा था तो संजय ने पुलिस की पकड़ से अपने को छुड़ा दिया और बस के नीचे छलांग लगा दी। इस घटना के चलते संजय की मौके पर ही मौत हो गई। ये जो मृतक हैं संजय कुमार बिहार के निवासी हैं और इनके खिलाफ एक एनडीपीएस एक्ट में एफआईआर दर्ज हुई, एफआईआर नंबर 7 सुंदरनगर थाने में, और माननीय न्यायालय से आज इसको जुडिशियल कस्टडी में भेजा गया था। तो हमारे पुलिस के कर्मचारी एचसी नंदलाल और एक होमगार्ड के राकेश उसे लेकर मंडी जेल आ रहे थे। तो इस बीच जब उसे मंडी जेल के लिए ले जाया जा रहा था तो रास्ते में उसने अपना हाथ छुड़ाया और बस जा रही थी पास से ही, और उस बस के नीचे उसने छलांग लगा दी। उसकी मौके पर ही मृत्यु हो गई क्योंकि बस बिल्कुल एकदम करीब से जा रही थी उसके, तो पुलिस वालों को प्रतिक्रिया करने का भी मौका नहीं मिला। जो उसके साथ पुलिस के कारिंदे थे और उसकी मौके पर ही मृत्यु हो गई। घटना इतनी जल्दी घटी कि आरोपी को ले जा रहे पुलिस वाले नंदलाल और राकेश को रिएक्ट करने का समय भी नहीं मिल पाया और देखते ही देखते उनकी आंखों के सामने आरोपी का सर बस के नीचे सपाट हो चुका था। इस घटना से बस का ड्राइवर भी बुरी तरह से सहम गया है। सर जैसे गाड़ी बिल्कुल स्लो थी और ये बीच जेल को ले जा रहे थे इसको, और ये आया और उसे दमनशन टक्कर मार दिया अपने आप को, और ये कुछ इसका मामला बंक वगैरह पकड़ी थी के साथ क्या था, और इसने मुझे मरना ही चाहता था, क्या करना चाहता था, और इसने मेरे को मतलब ऐसे ही बिना मतलब से वजह से फंसा दिया है। पिछले टायर से अपने को टक्कर मार दी। चश्मदीदों के मुताबिक आरोपी बिना हथकड़ी के ले जाया जा रहा था। जब एएसपी रमन कुमार से यह पूछा गया कि आरोपी को हथकड़ी क्यों नहीं लगाई गई थी तो सुनिए उन्होंने क्या कहा। माननीय उच्चतम न्यायालय के गाइडलाइन के हिसाब से हम हथकड़ियाँ उपयोग में नहीं ले रहे हैं आजकल, बहुत ही हीनियस क्राइम होते हैं तभी हम हथकड़ी यूज़ करते हैं, और पुलिस की कस्टडी में था वो और ये जिम्मेदारी थी पुलिस वालों की, पर उसने उनसे हाथ छुड़ाकर और आत्महत्या की है। जी बिल्कुल, एएसपी रमन बिल्कुल सही कह रहे हैं। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने सभी विभागों को निर्देश दिए हुए हैं कि सिर्फ रेयर केसेस में ही आरोपी को या अपराधी को हथकड़ी लगाई जाए। बहरहाल यह मामला पुलिस से हुई लापरवाही का जरूर बन रहा है, लेकिन असलियत तो पूरी तफ्तीश के बाद ही सामने आएगी। के न्यूज़ के लिए कैमरा पर्सन लोकेश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
आम आदमी पार्टी ने पूरे प्रदेश में अपनी पैंट बनाने के लिए मुहिम शुरू कर दी है और इसी कड़ी में चलते हुए हमीरपुर संसदीय क्षेत्र में आम पार्टी ने चुनावों के मद्देनजर कार्य करना भी शुरू कर दिया है। हमीरपुर संसदीय सीट पर ऊना जिला से संबंध रखने वाले डॉक्टर चमन सिंह चौहान ने लोकसभा चुनावों के लिए अपनी दावेदारी भी पेश की है। आम आदमी पार्टी की लोकप्रियता में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है और प्रदेश में दोनों प्रमुख पार्टियों से तंग आकर लोग भी भारी तादाद में आपके साथ जुड़ रहे हैं। यही नहीं, अब आने वाले लोकसभा चुनावों के लिए आपका टिकट पाने के लिए नेताओं की लाइनें लगना भी शुरू हो गई हैं। इसी के चलते ऊना से संबंध रखने और पिछले काफी समय से समाज सेवा के क्षेत्र से जुड़े नेत्र विशेषज्ञ डॉक्टर चमन चौहान ने हमीरपुर संसदीय सीट से आपके टिकट के लिए अपनी दावेदारी पेश कर दी है। हमीरपुर में पत्रकारों को संबोधित करते हुए डॉक्टर चमन सिंह चौहान ने कहा कि वह पूरी तरह से आप पार्टी के लिए समर्पित हैं। उन्होंने कहा कि राजनीति में उनके आने का एकमात्र उद्देश्य आम आदमी की सेवा करना है और देश में आम आदमी पार्टी के रूप में जनता को एक बेहतर विकल्प मिल चुका है। उन्होंने कहा कि अगर आम आदमी पार्टी उन्हें टिकट देती है और वे जीतते हैं तो वे निश्चित ही जनता की सेवा पूरे मन से करेंगे। साल से आई सर्जन हूँ और मंडी में की मैंने 18 साल नौकरी और अब 16 साल मुझे ऊना में हो गए हैं और मैं 1996 से समाज सेवा कर रहा हूँ, कैंप लगाता हूँ जिसमें आई के ऑल ओवर हिमाचल। मैंने अप्लाई करना है तो मैं चाहता हूँ कि एक पब्लिक ओपिनियन इसका हो जाए। चौहान ने कहा कि आम आदमी पार्टी स्वच्छ छवि वाले नेताओं को ज्वाइन करवाना चाहती है और आम आदमी पार्टी में हर कार्यकर्ता आम आदमी ही है। उन्होंने कहा कि एक आदमी बदलाव ला सकता है और यही कारण है कि पूरे देश में आम आदमी पार्टी ने थोड़े समय में ही अपनी पैठ बना ली है। क्योंकि ये जो पार्टी है मुझे इसलिए पसंद है क्योंकि एक तो करप्शन से फाइट कर रही है, इसका तो मैं शुरू से पक्षधर हूं और दूसरा दे वांट ऑनेस्ट पीपल इन द पॉलिटिक्स। They don't want politician, जो रूटीन के कन्वेंशनल पॉलिटिशियन को नहीं, ये चाहते हैं कि समाज सेविक। आम आदमी पार्टी की दिन ब दिन बढ़ रही लोकप्रियता के साथ हर जगह लोग भारी तादाद में पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं और आप पार्टी की लोकप्रियता को देखते हुए टिकट पाने वालों की भी लाइन लगना शुरू हो गई है। अब देखना है कि आने वाले समय में यह लाइन और कितनी लंबी जाती है। ये न्यूज के लिए हमीरपुर से अवरिंदर सिंह की रिपोर्ट। हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से चुनावों के लिए कांग्रेस के उम्मीदवारों ने दावेदारी ठोकनी शुरू कर दी है। ऐसे में भोरंज विधानसभा क्षेत्र से संबंध रखने वाले वरिष्ठ कांग्रेसी नेता व जिला कांग्रेस के उपाध्यक्ष रामचंद पठानिया ने भी इन चुनावों के लिए हमीरपुर संसदीय सीट से अपनी दावेदारी पेश की है और उन्होंने आशा जाहिर करते हुए कहा है कि हाईकमान पार्टी से जुड़े हुए लोगों को ही टिकट देगी। हमीरपुर में पत्रकारों को संबोधित करते हुए रामचंद्र पठानिया ने कहा कि वह कांग्रेस में ग्रास रूट से जुड़े हैं और पिछले काफी सालों से काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पार्टी हाईकमान ने भी पार्टी से जुड़े हुए कर्मठ कार्यकर्ता को ही टिकट देने का निर्णय लिया है और हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से अपनी दावेदारी उन्होंने पेश की है। उन्होंने कहा कि अगर हाईकमान उन्हें आशीर्वाद प्रदान करती है तो वह हमीरपुर संसदीय क्षेत्र में जीत का परचम जरूर लहराएंगे। लोकसभा के प्रत्याशी उम्मीदवार के रूप में मैंने कांग्रेस पार्टी को आवेदन दिया है। हाईकमान मेरे ऊपर विश्वास करेगी तो मैं जरूर चुनाव लड़ूंगा। मैं उम्मीद करता हूं कि कांग्रेस पार्टी संगठन से जुड़े हुए व्यक्ति को ही टिकट देगी। हम रामचंद पठानिया ने भाजपा पर तीखे प्रहार करते हुए कहा कि भाजपा द्वारा मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह और अन्य नेताओं पर जो आरोप लगाए हैं वह निराधार हैं और भाजपा कांग्रेस द्वारा जारी की गई चार्जशीट पर से लोगों का ध्यान हटाने के लिए यह सब कर रही है। भारतीय जनता पार्टी ने हमारे माननीय मुख्यमंत्री और मंत्रियों और हमारे प्रदेशाध्यक्ष श्री सुखविंदर सिंह जी के ऊपर निराधार आरोप लगाए हैं। उनका कोई अभिप्राय नहीं बनता है क्योंकि हमारी सरकार, जब हम सत्ता में नहीं थे तो हमने चार सीट जो है वो माननीय गवर्नर को दी थी। उस चार सीट का ध्यान अवट वो करने के लिए, ध्यान जनता की तरफ से हटाने के लिए ये सब भारतीय जनता पार्टी ये सब सबूत कर रही है। वो सब निराधार हैं
अगर उनके पास कोई सबूत है तो वो बताएं। लोकसभा चुनावों के नजदीक आते ही विभिन्न पार्टियों के नेताओं ने टिकट के लिए अपनी दावेदारी शुरू कर दी है और दिन प्रतिदिन टिकट के चाहने वालों की लाइन लंबी होती जाएगी। जिस पार्टी के जितने अधिक टिकट चाहने वाले होंगे बाद में उसकी मुश्किलें भी उतनी ही बढ़ेंगी और बगावत की भी संभावनाएं अधिक रहेंगी। के न्यूज के लिए हमीरपुर से अवरिंदर सिंह की रिपोर्ट। के न्यूज में फिलहाल वक्त हो चला छोटे से ब्रेक का, देखते रहिए के न्यूज। उन्नीस से आपकी सेवा में रतन सिंह सराफ एंड सन्स, आभूषणों के निर्माता व विक्रेता। यहाँ पर आपको मिलते हैं खुद द्वारा तैयार किए गए संपूर्ण गुणवत्ता वाले आभूषण। रतन सिंह सराफ में पूरी विश्वसनीयता के साथ बनाए जाते हैं स्थानीय व हिमाचली आभूषण। साथ ही यहाँ ब्रांडेड ज्वेलरी भी उपलब्ध है, जैसे अश्मी डायमंड, दिया डायमंड और रिवाज गोल्ड। अश्मी डायमंड पर पाइए 20% तक की छूट। आभूषणों से संबंधित अधिक जानकारी और बेहतर खरीदारी के लिए आज ही संपर्क करें रतन सिंह सराफ एंड सन्स, मोती बाजार मंडी हिमाचल प्रदेश। क्या आप बेरोजगार हैं और आप नौकरी चाहते हैं या फिर अपना बिजनेस करना चाहते हैं, तो भारत सरकार के तकनीकी प्रशिक्षण केंद्र NSIC कनाड में बिल्कुल मुफ्त कोर्स का लाभ उठाइए। इन कोर्सेज के लिए आप कौशल विकास भत्ता भी पा सकते हैं। हमारे यहाँ उपलब्ध कोर्स हैं फैशन डिजाइनिंग विद एम्ब्रॉयडरी, कंप्यूटर हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग, मैनुअल एंड कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग। जो ये कोर्स है ये मेरे फ्यूचर के लिए फ्यूचर को सिक्योर करेगा और काफी बेनिफिट होगा। इलेक्ट्रिक गैजेट रिपेयर, मोबाइल रिपेयर, IT टूल्स एंड एप्लीकेशंस, MS ऑफिस एंड इंटरनेट। ज्यादा जानकारी के लिए केंद्र प्रमुख लोकेश भाटिया से संपर्क करें। मिठाइयाँ, बेकरी और चाट का स्वाद एक नए अंदाज में आपके शहर मंडी में एक संपूर्ण रेस्टोरेंट। अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्ता और स्वाद के साथ साथ यहाँ रखा जाता है सफाई का विशेष ख्याल। यहाँ इस्तेमाल होने वाला हर मटेरियल होता है लैब टेस्टेड। बिना किसी मिलावट के आपको मिलेगा हर उत्पाद सिर्फ आनंदा में। आनंदा, टेलीफोन एक्सचेंज के नजदीक मंडी। मंडल में बुनियादी सुविधाओं के अभाव के चलते हुए विभिन्न संगठनों ने सिट्टू के झंडे तले अपना धरना प्रदर्शन किया और रैली भी निकाली। इसी उपरांत किसान सभा के राज्य सचिव के नेतृत्व में SDM के माध्यम से प्रदेश सरकार को एक ज्ञापन भी भेजा गया है। वीरवार के दिन किसानों, मिड डे मील वर्कर्स, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को पेश आ रही समस्याओं और चौहार घाटी में मूलभूत सुविधाओं के अभाव और दिन ब दिन बढ़ती महंगाई को लेकर सीटू के बैनर तले विभिन्न संगठनों के कार्यकर्ताओं ने प्रदेश सरकार के खिलाफ एक धरना प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में हिमरी गंगा टैक्सी यूनियन पद्धर के पदाधिकारी भी शामिल हुए। संगठनों के कार्यकर्ताओं ने किसान सभा के राज्य सचिव कुशाल भारद्वाज के नेतृत्व में SDM कार्यालय के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया तथा अपनी मांगों को लेकर SDM पद्धर विनय मोदी के माध्यम से प्रदेश सरकार को ज्ञापन भी भेजा। सीटू कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए सीटू के जिला उपाध्यक्ष रविकांत ने कहा कि 25 साल बीत जाने के बाद भी पद्धर उपमंडल की कई सड़कें पक्की नहीं हुई हैं, जबकि CHC पद्धर में 7 विशेषज्ञों के पद स्वीकृत होने के बावजूद एक भी स्पेशलिस्ट डॉक्टर नहीं है। हमारे पास नहीं आते आज की डेट में, इसलिए पिछले 24 सालों से पद्धर से 9 सड़क का निर्माण हुआ है। 24 सालों के अंदर पद्धर से 9 सड़क जो है आज तक पक्की नहीं हुई है। यही हाल जो है कुन्नू से कुफरी सड़कों का है। सरकारें लगातार बोलती है, पिछले 5 सालों के अंदर भाजपा की सरकार थी, बोला हमने दरंग में एक समान विकास करवाया है,
अरे कौन सा विकास करवाया है, ये सवाल यह जनता ज्वार घाटी की जनता पूछ रहे दोनों सरकारों से आई है। आज हमारे पद्धर के अंदर जो प्रमुख मांग है, जो हम मुख्यमंत्री को ज्ञापन के माध्यम से भेज रहे हैं, ये जो हमारा पद्धर का एफआरयू हॉस्पिटल है, एफआरयू हॉस्पिटल के मुताबिक कम से कम 7 स्पेशलिस्ट डॉक्टर जो है एफआरयू हॉस्पिटल में होने चाहिए, लेकिन एक भी स्पेशलिस्ट डॉक्टर इस अस्पताल के अंदर नहीं है। ये सवाल जो हम प्रदेश की सरकार से पूछने आए हैं, ये सवाल पूछने आए हैं भाजपा की सरकार से। आपने उपमंडल कार्यालय तो यहाँ खोल दिया, एसडीएम साहब की नियुक्ति जो है पिछले वर्ष जो है लगभग 28 दिन की भूख हड़ताल के बाद प्रदेश सरकार ने मजबूरी में एसडीएम को यहाँ बिठा दिया, लेकिन जो स्टाफ है उसकी भर्ती यहाँ पे नहीं हुई है। ये मांगे जो है आज हम प्रदेश सरकार से उठाने आए हैं। मजदूर किसान नेता कुशाल भारद्वाज ने कहा कि महंगाई के इस दौर में मिड डे मील वर्करों को मात्र 1,000 रुपये मासिक मानदेय दिया जा रहा है, जो कि सरासर अन्याय है। सरकार अपने हितों के लिए एक मिनट के भीतर निर्णय ले सकती है, तो फिर आम लोगों के लिए ऐसा क्यों नहीं किया जाता। उन्होंने मिड डे मील वर्करों को 4,500 रुपये न्यूनतम वेतन देने की मांग भी उठाई। जो समय समय पर प्रदेश में सरकार बनाती है, हमें बताओ जब दाल की कीमत 100 रुपया किलो है, जब 115 रुपए में जो है 1 किलो खाने का तेल आ रहा है, वैसे दौर में मात्र 33 रुपया दिहाड़ी कमा करके कौन इंसान अपने और अपने परिवार की गुजर बसर कर सकता है। आपको जरा सी भी शर्म है, होना ये चाहिए कि जब आप वायदे करते हैं कि आप हमें वोट दो, तो अगर सरकार काम नहीं करती है तो विपक्ष का काम क्या है। माना कि आज कांग्रेस सरकार है, भाजपा सरकार ने कुछ नहीं किया, कांग्रेस सरकार की जिम्मेवारी थी, उसने भी वायदा किया था, उसको विधानसभा के अंदर ये नीति बनानी चाहिए थी कि मिड डे मील वर्कर को कम से कम 4,500 रुपए महीने का दे, और जब उनके 7 साल पूरे जाते, 8 साल पूरे जाते, तो उनको जो है सरकारी कर्मचारी घोषित करके पक्का करे, और जब तक सरकारी कर्मचारी नहीं बन जाता, कम से कम उसके परिवार की गुजर बसर के लिए इस देश के कायदे कानूनों के अनुरूप जो न्यूनतम वेतन मिलता है वो उनको मिलना चाहिए, और न्यूनतम वेतन महीने का 4,500 रुपया है। कुशाल भारद्वाज ने कहा कि सरकार किसानों पर लगातार बोझ डालती आ रही है, आज महंगाई चरम सीमा पर पहुंच चुकी है, जिससे लोगों का चूल्हा चौका चलना भी मुश्किल हो गया है। आम लोगों की सब्सिडीज को बंद करके बड़े बड़े धन्ना सेठों को ये सब्सिडियां दी जा रही है। खाद महंगी है, बीज महंगा है, कीटनाशक महंगा है, रसोई गैस का सिलेंडर जो 1 साल पहले 400 रुपए में आता था, उसकी कीमत अब 1300 कितना 86 या 53 रुपए कितने का लिया अभी सिलेंडर, लिया नहीं होगा तो लेना कहां से, 1350 रुपए से ज्यादा में आज सिलेंडर आ रहा है, गैस सिलेंडर, जबकि 1 साल पहले यह 400 रुपए में आता था। तो जो आम आदमी को जो सब्सिडियां मिलती हैं वो छीनी जा रही हैं, और सब्सिडियां किसको दी जा रही हैं, जो बड़े बड़े धंधा सेठ हैं, जो बड़े बड़े साहूकार हैं, जो बड़े बड़ी कंपनियों के मालिक हैं, तो लूट बची है इस मुल्क के अंदर पूरी तरह से। के न्यूज के लिए पद्धर से आशीष भोज की रिपोर्ट। के न्यूज में फिलहाल फिर वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, देखते रहिए के न्यूज। कहते हैं ना, हीरे की परख एक जोहरी ही कर सकता है, तो आखिर वो जोहरी लाएं कहां से जो बताए हीरे की सही कीमत। फिक्र न करें, अब आ गया है आपके मंडी शहर में हीरे जड़ित आभूषणों का एक्सक्लूसिव शोरूम, जो देगा आपको हीरे की 100% कीमत वापसी की गारंटी। RJ Diamonds, a unit of Ratan Jewelers. Shop number 15, Indira Market, Mandi.
ताजे फल, रसीले फल, मीठे फल, देसी फल और विदेशी फल। इन फ्रूट्स को देखकर ही मुंह में पानी आ जाए। अगर पानी आ गया तो फिर इनका स्वाद भी चख लीजिए। बात चाहे देसी फलों की हो या फिर विदेशी फलों की, अब आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि मंडी शहर में खुल चुकी है फ्रूट्स गैलरी, जहां आपको ताजे, रसीले, देसी और विदेशी फल बाजार से सस्ते दामों पर मिलेंगे। अरोड़ा फ्रूट गैलरी में कोल्ड रूम की सुविधा उपलब्ध है। इसके साथ ही यहां पर सभी प्रकार के जूस और शेक्स भी बाजार से सस्ते दामों पर मिलते हैं। फ्रोजन आइटम भी यहां उपलब्ध है। फलों और जूस की खरीदारी के लिए आज ही पहुंचे अरोड़ा फ्रूट गैलरी, नजदीक गांधी चौक, मंडी, हिमाचल प्रदेश। चावला स्क्वायर वेज एंड नॉन वेज रेस्टोरेंट। हमारे यहाँ आपको मिलेगा स्वादिष्ट और लजीज जायका। चावला स्क्वायर अपने स्वाद के लिए देश में ही नहीं बल्कि विदेश में भी अपनी पहचान बना चुका है। I had a great time in Chawla chicken, superb chicken, बहुत मजा आया। साथ ही चाहे बर्थडे पार्टी हो या किटी पार्टी या फिर हो कोई फंक्शन, हम केटरिंग की सुविधा भी देते हैं। वेज और नॉन वेज अलग अलग किचन में तैयार किए जाते हैं। तो आज ही पधारें भारत की सबसे मशहूर और सबसे बड़ी फूड चेन चावला स्क्वायर में, मंडी से 3 किलोमीटर मंडी मनाली हाईवे पर। अधिक जानकारी के लिए कॉन्टेक्ट करें 8265033999। नामधारी स्पोर्ट्स क्लब द्वारा आयोजित 7वां शिवा कप का खिताब रतन ज्वेलर्स की टीम ने सिंह गारमेंट्स की टीम को 10 विकेट से हराकर जीत लिया है। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए सिंह गारमेंट्स ने 7 विकेट खोकर 127 रन बनाए और बाद में 128 रनों का पीछा करने उतरी। रतन ज्वेलर्स ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए बिना कोई विकेट खोए जीत हासिल कर ली। भगवान शिव की धरती जो है मंडी, जिसको छोटी काशी भी कहा जाता है, कि भगवान शिव की जो नगरी है उसमें भगवान शिव जी के नाम से जो है कोई क्रिकेट या किसी भी खेल की प्रतियोगिता जो है करवाई जानी चाहिए। तो श्री राजेंद्र सिंह राजा जो हमारे जनरल सेक्रेटरी हैं, हमने जो है इसको खेलने उनके जो है उन द्वारा स्वीकृति मिलने के बाद इस टूर्नामेंट को शुरू करवाया गया था और आज 7वां संस्करण जो है इसका बहुत ही सफल जो है यहाँ समापन हुआ। इसमें 40 टीमों ने हिस्सा लिया। टीमें मंडी के बाहर से भी जो हैं टीमें यहाँ आई थी। वो फाइनल मैच जो है, जो हमेशा ही एक दूसरे की प्रतिद्वंदी रही हुई है मंडी में, सिंह गारमेंट्स क्रिकेट क्लब व रतन ज्वेलर्स, वो ये दोनों टीमें जो हैं यहाँ फाइनल में पहुँची थी और पहले टॉस जीत के जो है रतन ज्वेलर्स की सिंह गारमेंट्स की टीम ने बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया, लेकिन वो ज़्यादा जो है स्कोर नहीं कर पाई और 7 विकेट के नुकसान पे 20 ओवरों में सिर्फ 127 रन का जो है उन्होंने यहाँ चुनौती दी यहाँ अपने जो क्लब है यह रतन ज्वेलर्स। और रतन ज्वेलर्स की ओर से जो है इनके ओपनर जो थे राघव धवन तथा संसांग, जो कि रणजी खिलाड़ी हैं, इन्होंने अपने विकेट को कोई नुकसान पहुंचाए बिना जो है 127 रन को जो है 16 ओवर में जो है अचीव कर लिया और दोनों खिलाड़ियों ने जो है अर्धशतक बनाए। के न्यूज़ में खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहिए हमारे साथ।